नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड SSC द्वारा लैब असिस्टेंट यानि कि प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। इसको कैसे भरेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म है ये। वर्ष 2023 का लैब असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, टोटल पोस्ट हैं 690 पोस्ट हैं। ऑल इंडिया से आप भर सकते हैं, किसी भी राज्य से, और मेल फीमेल इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिग्री ग्रेजुएट होल्डर इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे आप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, पेमेंट तक, पूरा प्रोसेस, फुल प्रोसेस A to Z जानकारी। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को देखेंगे तभी आप भर पाएंगे अपना फॉर्म। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाना चाहता हूँ ऑल जॉब केंद्र, जिसके माध्यम से मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और आप वीडियो देखते हैं। तो इसमें आपको संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर दी जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इस टाइप की वीडियोज़ के लिए, जेन्युइन कंटेंट के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो, और आपका स्वागत है। और आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर हेल्पफुल लगे तो, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं झारखंड SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम आ गए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और ये एक अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल है, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2023 के ये हैं, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसमेंट डेट स्टार्ट है 5/4/2023 से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 4/5/2023 रात्रि मध्यरात्रि मध्यरात्रि तक, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस है 6/5/2023, और लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर आपको बाद में करने पड़ेंगे और उनका प्रिंटआउट बाद में लेना पड़ेगा, वो 8/5 को आप कर सकते हैं मध्यरात्रि तक। और डेट ऑफ एडिटिंग फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो एडिटिंग करना है वो 10/5 से 12/5 के बीच में कर सकते हैं आप। और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी अनरिजर्व्ड EWS EBC BC की ₹100 शुल्क लगेगा, और SC ST के लिए ₹50 और PH कैंडिडेट के लिए नो फीस लगेगी। तो आप अगर इसमें एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जरूर होगी पर आप अप्लाई का प्रोसेस पूरा सीख जाएंगे और उससे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो इधर ये एप्लीकेशन ऑनलाइन का, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एप्लीकेंट लॉगिन है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनका यूज़ आप कर सकते हैं जैसे जैसे आपको जब ज़रूरत पड़ेगी। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल है, इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वर्ष 2023 का ये आ रहा है झारखंड द्वारा JLACE 2022 एडवर्टीजमेंट नंबर 13/2022। ये 2022 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 2022 में निकली थी, तब ये हुआ नहीं था, आवेदन किए गए थे पर ये परीक्षा नहीं हुई थी। तो ये आप अगर 13 में आपने अप्लाई किया है तो आपको अभी अप्लाई करना है कि नहीं, तो इस पर अगर आपने अप्लाई किया था तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, तो वो आप यहाँ पे इधर हैव यू कम्प्लीटेड रजिस्ट्रेशन फॉर JLCE 2022 एडवर्टीजमेंट नंबर 13/2022, अगर तब आपने कम्प्लीट किया था तो यस करेंगे। और इधर JLCC ACCE का 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और इधर डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड कर देंगे, आपका डाटा फैच हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म का आपका प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप वर्ष 2023 में न्यू भर रहे हैं तो इसको आपको नो करना पड़ेगा, तो नो करते ये न्यू फॉर्म खुल जाएगा और ये आपसे कहेगा आर यू इंडियन सिटीजन, ये ऑल इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, तो यस करना पड़ेगा आपको और अपना एप्लीकेंट नेम डालना पड़ेगा। मैं मोहित हूँ, मोहित डाल रहा हूँ, आपका जो भी नाम हो आप वो डालिएगा, मैं सैंपल के तौर पे भर रहा हूँ तो आप अपना जो भी एक्टिव और वैलिड हो वो डालिएगा। इधर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और फादर्स नेम डाल दीजिएगा, इधर अपना फादर्स नेम और नीचे मदर्स नेम आएगा आपका, मदर्स नेम डालिएगा। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल है तो मेल फीमेल डालिए, जो भी है आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं वो डालिए, आर यू लोकल
रेजिडेंट ऑफ झारखंड, ये पूछ रहा है यस नो, आप झारखंड के रेजिडेंट हैं या नहीं, मतलब इसमें ऑल इंडिया के एप्लीकेबल हैं, यस करते हैं तो इधर आपसे डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेजिडेंस के डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी, तो वो भरना पड़ेगा। और आप रिजर्वेशन कैटेगरी आप देख लीजिए, इधर सारी काउंट की जाएंगी आपकी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड नहीं हैं तो ये नो करते हैं, तो कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड इन अनरिजर्व कैटेगरी, आप अनरिजर्व कैटेगरी से काउंट किए जाएंगे, यानी कि आप यू आर कैटेगरी से काउंट की जाएंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी अनरिजर्व काउंट की जाएगी, तो आपके 100 रुपीज़ फीस लगेगी और आप अप्लाई ऑल इंडिया से कर पाएंगे अगर झारखंड के नहीं हैं तो भी। तो मैं एमपी से हूँ तो इसको नो कर रहा हूँ, झारखंड का नहीं हूँ, और आपको लोकल अपनी डिस्ट्रिक्ट नहीं देनी पड़ेगी, और रिजर्वेशन कैटेगरी आपको यू आर देनी पड़ेगी। आधार कार्ड आपका है तो भर दीजिए, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। विजय मार्क अगर आप पे है तो भर दीजिए, नहीं है तो नो मार्क की एंट्री भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मार्क है तो वो भी लिख दीजिए, नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। स्टार मार्क जो रेड मार्क होते हैं वो आपके कंपलसरी होते हैं, वो लिख दीजिए बस। उसके बाद इसको आप परमानेंट एड्रेस लिखेंगे अपना, सिटी लिखेंगे अपनी, सिटी लिखने के बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद स्टेट लिखेंगे आपकी क्या है, पिन कोड लिखेंगे। पिन कोड लिखने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम है, इस पर क्लिक कर देंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एक्टिव और वैलिड डालिएगा क्योंकि उस पर आपके SMS आएगा, और ईमेल आईडी भी एक्टिव और वैलिड डालिएगा क्योंकि उस पर ईमेल आएगा, तो वो आपके काम की होगी, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा। तो ईमेल आईडी, पहले मोबाइल नंबर एक्टिव और वैलिड डालिएगा, उसके बाद कंफर्म करिएगा उसको, एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को भी एक्टिव और वैलिड डालिएगा, कंफर्म करिएगा उसको। और उसके बाद इसमें आपको पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है, पोस्ट की प्रेफरेंस आप लैब असिस्टेंट, इसमें 3 वैकेंसी हैं, फिजिक्स में बनना चाहते हैं, केमिस्ट्री में के बायो में, तो फिजिक्स प्रेफरेंस, 3 प्रेफरेंस देनी है, देख लीजिए आप। तो प्रेफरेंस फर्स्ट में फिजिक्स रख सकते हैं, केमिस्ट्री रख सकते हैं, बायो रख सकते हैं, तो आप जोन सी रखना चाहें वो रख दें। मैंने फिजिक्स रख दी है, फिर केमिस्ट्री रख दी है, फिर मैंने बायो रख दी है, मैं रैंडम रख रहा हूँ, आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक की आपको 10th की डिटेल, नेम ऑफ द स्कूल रखना है, स्कूल का नेम रखिए। स्कूल का नेम रखने के बाद आप मेंशन स्टेट आल्सो लिखा है, स्टेट जो है आपकी वो भी लिखेंगे, और बोर्ड का नाम भी लिखेंगे, बोर्ड का नाम भी जरूर लिखें, और ईयर ऑफ पासिंग जो थी वो आप वो जरूर लिखें। वो लिखने के बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे वो आप लिख दें, और 10th में ऑल सब्जेक्ट होते हैं तो ऑल सब्जेक्ट आ गए आपके। इंटरमीडिएट में क्या था आपका, इंटरमीडिएट में आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और स्टेट लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, मेंशन स्टेट आल्सो, स्टेट आल्सो आपको लिखनी पड़ेगी, और इधर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखना पड़ेगा, और आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो लिखेंगे आप, और परसेंटेज कितने आए थे वो लिखेंगे। उसके बाद क्या सब्जेक्ट था आपका वो लिखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी वो लिखेंगे आप, PCB। उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या, कौन से आपने कॉलेज से करी है ग्रेजुएशन, तो वो आप लिखेंगे। वो लिखने के बाद उसका स्टेट भी लिखेंगे, स्टेट कंपलसरी है, स्टेट जरूर लिखिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना वो डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज लिख देंगे, और इधर किस सब्जेक्ट से किया था, PCB से किया था, तो फिजिक्स लिख दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी लिख कर किया था, तो फिजिक्स तीनों से किया था या दो से किया था या एक से किया था, जिससे भी किया था वो लिख सकते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए आप।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म आगे नेक्स्ट किया है उसका ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। आप ये चेकआउट कर लीजिए, अगर कोई भी इसमें आपको डिटेल मिस्टेक लगती है तो आप स्क्रॉल डाउन करके एडिट कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रॉल डाउन करके। ये मैंने स्क्रॉल डाउन कर लिया, और आप अगर कोई भी डिटेल आपकी एडिट करना चाहते हैं, एडिट अभी भी आप यहाँ कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको मिस्टेक लगती है तो एडिट कर सकते हैं, एडिट कर लीजिए अगर कोई भी मिस्टेक है तो, नहीं तो आप ये कैप्चा कोड भर के और आई डिक्लेयर पे डिक्लेरेशन पे आई डिक्लेयर पे टिक मार्क करके सिक्योरिटी कैप्चा कोड भर के सबमिट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये नेक्स्ट कर दिया, ये आपका कंप्लीटेड हो गया रजिस्ट्रेशन, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया लैब असिस्टेंट के लिए। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे भी चला गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और उसके बाद इसको प्रोसीड कीजिए आप। अब दोस्तों मैंने इसको प्रोसीड कर दिया और ये एप्लीकेशन कैंडिडेट लॉगिन आ गया है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको पहले मिला था वो डालना है, और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और सिक्योरिटी कैप्चा कोड को डाल के लॉगिन करना है, वो मैं कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कैंडिडेट लॉगिन कर लिया, उसके बाद ये आपकी पेमेंट डिटेल आ गई, आपके 100 रुपये लग रहे हैं, और ये लिखा है नोट क्लिक पे नाउ बटन एंड मेक एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट। पे नाउ पे करके आप एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं अभी, और आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस करने के बाद कंप्लीट द फर्दर स्टेजेज, यानी कि अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको करने होंगे ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो मैं पे ऑनलाइन को कर रहा हूँ क्लिक, और आप अभी भी कर सकते हैं, नहीं तो लॉगआउट करने के बाद में भी पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिला है डेट ऑफ बर्थ के जरिए। तो मैं पे नाउ अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, आप बाद में भी कर सकते हैं, करेक्शन की विंडो बाद में भी ओपन होगी, तो मैं पे नाउ कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पे नाउ कर दिया, ये पेमेंट गेटवे पे चला गया, HDFC का पेमेंट गेटवे आ रहा है, पे विद HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इन माध्यम से आप कर सकते हैं, जो भी आप पे सुविधा हो इसकी उसके माध्यम से इसका भुगतान कर सकते हैं। इसके आगे मैं अभी भुगतान नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें आपका डेमो के तौर पे मैंने भरा है, तो मैं पेमेंट नहीं कर रहा, ये डमी मैंने भरा है और आपको सिखाने के लिए। तो इसके बाद इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो वो आप कर लीजिएगा, और कोई भी अगर दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा ज़रूर। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म, मेल फीमेल डिग्री ग्रेजुएट होल्डर, 690 पोस्ट हैं जिसमें ऑल इंडिया से लेबर असिस्टेंट की ऑनलाइन फॉर्म है ये वर्ष 2023 का, तो आप इसे ज़रूर भरिए, और अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछने का प्रयास कीजिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, और होगा तो वीडियो एक बना के दूंगा आपको। झारखंड JSSC द्वारा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा लेबर असिस्टेंट के प्रयोगशाला सहायक के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में पूरा मैंने बताया आपको, झारखंड लैब असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 कैसे भरेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पेमेंट तक पूरा प्रोसेस बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार की नई नई वीडियोस बनाने के लिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए डेली बेसिस पे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।